2022 की टॉप 10 सीरीज, वैसे 10 से ज़्यादा ही हैं ये। अब देखो, मैं रैंकिंग करना चाहता था लेकिन रैंकिंग कर नहीं पाया क्योंकि भाई सभी सीरीज बहुत ही अच्छी हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे टोटल 13 सीरीज़ की। देखो, इन सीरीज़ में कोई रैंकिंग नहीं है, लेकिन जो मैं पहले बताऊँगा वो कम अच्छी है और उसके बाद जो सबसे लास्ट में होगी वो सबसे अच्छी है। तो मतलब वन बाई वन सीरीज़ और बेहतर होती जाएंगी। आई होप तुम समझ गए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली है रिंग्स ऑफ पावर, एब्सोल्युटली स्टनिंग विजुअल्स बट लैक्स स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर बिल्डअप। अदरवाइज ये सीरीज इस साल की बेस्ट सीरीज भी हो सकती थी। एंड इस सीरीज का बजट भी $1 बिलियन से ज़्यादा है, जो इस सीरीज को अभी तक की सबसे महंगी सीरीज बनाता है। उसके बाद आती है लॉक इन की season 3, और ये इस सीरीज का फाइनल सीजन भी था। शो में दिखाई गई मैजिकल कीज इस शो का मेन अट्रैक्शन है। शो का मैजिकल एडवेंचर और टीन ड्रामा काफ़ी बेहतरीन है, और स्पेशली ये मोहतरमा। उसके बाद आती है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, 7 एपिसोड्स की हॉरर सीरीज, जहाँ पर हर एपिसोड में इंसान के अलग अलग डर को दिखाया गया है। कुछ एपिसोड्स डरावने और कुछ एपिसोड्स घिनौने भी लग सकते हैं। उसके बाद आती है मार्वल की मून नाइट, इजिप्शियन गॉड्स के ऊपर बेस्ड ये सीरीज सच में मार्वल की तरफ से एक बेहतरीन काम है। सीरीज ओवरऑल परफेक्ट तो नहीं है, पर फिर भी सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आती है ऑल ऑफ अस आर डेड, एक जॉम्बी सर्वाइवल सीरीज जो ब्रूटैलिटी और ब्लडशेड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। ऑल्दो लगा नहीं था कि कोरियन सीरीज में इतना ब्लडशेड हो सकता है, बट दे डिड इट। उसके बाद आती है कोबरा काई season 5, एंड वी होप season 6 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। कराटे में आप क्या ही नया कर सकते हो, ये सीरीज इस बात को हर बार गलत साबित करती है। सीरीज कराटे और ड्रामा दोनों को साथ लेकर चलती है, बट आपको हर बार कुछ नया करके हैरान करती है। उसके बाद आती है स्ट्रेंजर थिंग्स season 4, अपने बाकी सीजन से काफ़ी ज़्यादा डार्क और मैच्योर और ज़्यादा डरावनी भी। season 4 13 घंटे लंबा है और इसकी स्टोरी भी बाकी 3 सीजन से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आती है द बॉयज season 3, बाकी सीजन की तरह इस सीजन में भी दूध का पैसा होमलैंडर और खून का पैसा बुचर एक दूसरे की लेने में लगे हुए हैं, और इसमें होती है एंट्री गंजेड़ी सोल्जर बॉय की। उसके बाद सीरीज आती है पीकी ब्लाइंडर्स season 6, जो कि इस सीरीज का फाइनल सीजन था। एंड लिटरली इस सीरीज को मैं वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम भी कह सकता हूँ। स्टीवन नाइट की ये सीरीज प्योरली डिफाइन करती है व्हाट अ गैंगस्टर इज, हाउ द हेल ही वर्क्स, प्योर सिग्मा माइंडसेट। 1899 टाइम ट्रेवल, किस्मत और पैरेलल वर्ल्ड्स का ब्लेंड है। ये सीरीज स्टनिंग विजुअल्स के साथ आपके दिमाग पर असर करती है, जितना समझना चाहोगे उतना ही उलझ जाओगे। उसके बाद आती है हाउस ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन की यूनिवर्स से आई उसी की प्रीक्वल सीरीज, जो अपनी ही सक्सेसर को चैलेंज करती है। और season 1 की स्टनिंग परफॉर्मेंस ये बताती है कि ये सीरीज GOT की फैंडम को और ऊपर लेकर जाएगी। उसके बाद आती है वेडनेसडे, आइकॉनिक फिक्शनल फैमिली द वेडनेसडे की बड़ी बेटी वेडनेसडे एडम्स पर बेस्ड ये सीरीज नेटफ्लिक्स में पिछले 2 महीने से लगातार टॉप पर चल रही है, और उसका रीजन है इस सीरीज के डार्क ह्यूमर और वियर्डनेस, जो इसे एक कमाल की हॉरर कॉमेडी सीरीज बनाता है। और उसके बाद आती है फाइनली एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसका इस साल season 2 रिलीज हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सीरीज ऑफ 22 इन एवरी एस्पेक्ट। बहुत लोग इसको स्क्विड गेम से कंपेयर कर रहे हैं, इट इज़ वे बेटर देन स्क्विड गेम, पर क्योंकि इस सीरीज पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर भी ये सीरीज़ मेरे हिसाब से इस साल की सबसे बेस्ट सीरीज़ है। तो ये थी मेरी टॉप 10 सीरीज़ की लिस्ट 2022 की। मुझे पता है ये वीडियो पूरे 2 हफ्ते बाद आया है, और उसका रीज़न बहुत ही खास है, जिसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा।